वर्षा के कारण से, ओलावृष्टि के कारण से अभी पिछले दिनों में नुकसान हुआ है, उसकी स्पेशल गिरदावरी कराएंगे। मेरा निवेदन सभी किसान बंधुओं से आपके माध्यम से यह है कि जिस जिसका नुकसान हुआ है क्षतिपूर्ति पोर्टल में 72 घंटे में जरूर एंट्री करें। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी विधानसभा में प्रदेश स्तर के मुद्दों को बड़े ही मजबूती से उठाने वाली विधायकों की फेहरिस्त में शामिल हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र पार्ट 2 के तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान भी किरण चौधरी ने कई मुद्दे सदन के पटल पर रखे। उन्होंने अपने इलाके में पानी की किल्लत के साथ साथ हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मुद्दा भी पुरजोर ढंग से उठाया। सुनिए जरा। पानी जो है उसका तो इतना बुरा हाल है अध्यक्ष जी, जो हमारी सुंदर ब्रांच है और ये सारी की सारी, कि वहां पर जितना पानी हमारे को मिलना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, 5-5 जिलों के अंदर पानी जो है उनको राशनिंग करी जा रही है और हमारे को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है। जो ही फीटर के अंदर हमारे को मिलना चाहिए 500, मिल रहा है 303। निकाना के अंदर हमारे को मिलना चाहिए 650 और मिल रहा है 105। सिवानी फीडर में हमारे को मिलना चाहिए 400 और मिल रहा है 301। तो आप समझ सकते हो हालात क्या हैं। साथ ही साथ ओलावृष्टि और जो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से बारिश हो रही है, पूरा भिवानी महेंद्रगढ़ का जो इलाका है दक्षिण हरियाणा के अंदर, पहले ही सरसों की फसलें जो हैं पाला से मरी हुई थी, अब सारी की सारी और सारी फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया कि राज्य में हुई बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान के आकलन के लिए स्पेशल गिरदावरी कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि वो पोर्टल पर 72 घंटे में फसलों को हुए नुकसान की जानकारी अपलोड कर दें। जिन पहले विधायकों ने ध्यान कराया है और हमने आपस में विचार करके ये घोषणा करनी है कि जो वर्षा के कारण से, ओलावृष्टि के कारण से अभी पिछले दिनों में नुकसान हुआ है उसकी स्पेशल गिरदावरी कराएंगे। मेरा निवेदन सभी किसान बंधुओं से आपके माध्यम से यह है कि जिस जिसका नुकसान हुआ है क्षतिपूर्ति पोर्टल में 72 घंटे में जरूर एंट्री करें, क्योंकि कई बार वो एंट्री होती नहीं है और फिर बाद में अधिकारी उसमें ऊपर नीचे करके कुछ भी डाल देते हैं, तो इसलिए उसका मूल्यांकन उसी हिसाब से किया जाएगा कि उसने अपना कितना नुकसान डिक्लेयर किया है, अधिकारियों ने क्या आंका है, बाद में उसकी जो बिक्री हुई है उस हिसाब से ही आंकलन होता है, तो जरूर किसान जो है अपना अपना क्षतिपूर्ति में जरूर डाले। कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अपील की कि फसल गिरदावरी करवाने के साथ साथ किसानों को मुआवजा भी दिया जाए। मौसमी बरसात हुई और तेज हवा चली, फसल का बुरा हाल हो गया पूरा हरियाणा प्रदेश में, चाहे मेरे हल्के की बात हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम स्पेशल गिरदावरी कराएंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, गिरदावरी कई बार हो चुकी है पहले भी, लेकिन किसान को देने का कोई राहत देने का कोई काम नहीं किया गया। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, गिरदावरी के साथ साथ किसान का जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करने का भी काम किया जाए। बीजेपी विधायक प्रवीण डागर ने भी खराब फसलों का मुद्दा उठाया और मांग उठाई कि क्षतिपूर्ति पोर्टल के तहत बारिश जब खत्म हो उसके बाद 72 घंटों का पैरामीटर रखा जाए। चाहे गेहूं की फसलें हों, जौ की हों या फिर सरसों की फसलें, जो भी फसलें किसानों ने बिजाई की उनमें काफी नुकसान हुआ है। आज किसानों के माथे पे चिंता की बहुत बड़ी लकीरें बनी हुई है और हर किसान को एक उम्मीद है सरकार से कि हमारी सरकार ने पहले भी जब कभी किसानों की फसलें खराब हुई ओलावृष्टि के द्वारा या फिर बारिश के द्वारा, पीछे भी सरकार ने लगभग पूरे प्रदेश के अंदर 1100 करोड़ रुपए मुआवजा देने का काम किया, उसी के अनुरूप आज भी किसान की हालत उसी तरह से खराब है। किसान ओलावृष्टि से और बारिश से फसलें खराब जो होने जा रही है, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो क्षतिपूर्ति पोर्टल और बीमा कंपनियों ने जो बीमा कराया हुआ है, बीमा कंपनी 72 घंटे, अभी परसों बारिश हुई 72 घंटे कल पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी बारिश कंटिन्यू चली हुई है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो जैसे जब बारिश खत्म हो 72 घंटे जब लगाए जाए। काबिले गौर है कि हाल ही में हुई बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने प्रदेश के किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है और यही वजह है कि खराब फसलों का मुद्दा सदन में जोर शोर से गूंजा। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।